आपको शायद पता नहीं, पता डोवाल साहब पाकिस्तान रह चुके हैं कई साल लाहौर में रहे। जी। उन्होंने रिक्शा चलाया था लाहौर में, ही वॉज रिक्शा चलाते थे लाहौर में, और मस्जिद भी जाते थे, बड़े मस्जिद लाहौर में नमाज पढ़ने के लिए। ही हैज स्टेड अंडर कवर इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के बस स्टैंड्स, उनके रिक्शा, उनके कैंट के बाहर वाले एरिया, कैंट के अंदर वाले एरिया, ये सब उनके मतलब ही अंडरस्टैंड सोशल पाकिस्तान। तो दोस्तों ये छोटा सा आपने क्लिप देखा, यहाँ पर मेजर गौरव आर्या कमर चीमा के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अजीत डोगल सर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला है कि अब हम पाकिस्तान के साथ अमन करना है या बात करना है वो हम डिसाइड करेंगे, ये पाकिस्तान के पाले में गेंद नहीं है। उसी बारे में डिस्कशन हो रहा है और मेजर गौरव आर्या ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे पहले पाकिस्तान भारत को मतलब बोलता था कि अमन करो, मतलब पाकिस्तान डिसाइड करता था, लेकिन अब पूरी तरह से अजीत डोवाल ने ये बोल दिया कि हम डिसाइड करेंगे, हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है, व्यापार करना है या नहीं करना है, ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर सकता। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। पहली चीज है। दूसरी चीज ये, मैं आपकी नजर जरा थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, पास में ले जाऊं चीमा सर। एक किताब है रेडर्स इन कश्मीर, रेडर्स इन कश्मीर मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास पीडीएफ कॉपी पड़ी हुई है चीमा सर, आई विल सेंड इट टू यू। ये किताब लिखी है मेजर जनरल अकबर खान ने, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, उन्होंने लिखी थी कि किस तरीके से वो लीड करके लाए थे रेडर्स को, कवायलियों को, और इसमें पाकिस्तानी आर्मी जो सिविल ड्रेस में थी वो किस तरीके से ऑपरेट करिए। पाकिस्तानी एक मेजर जनरल की है किताब, मेरे पास पड़ी हुई है फोन पे, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप पढ़िएगा। इट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि फिल्म चल रही है आपके, वो किताब लगती नहीं है, वो फिल्म टाइप की है, वो बहुत शानदार है। दूसरी किताब है, आपने बड़ी सुनी होगी, बड़ी मशहूर है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जो लिखी थी जनरल हाँ अयूब खान ने। और फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की, जिसमें अखनूर के ऊपर, जम्मू एरिया में पड़ता है चीमा साहब अखनूर, और जम्मू सिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। ये अखनूर, आरएसपुरा चले जाते हैं, अखनूर चले जाते हैं, सुंदरबनी, ये सब, ये ऑल दिस इज वेरी क्लोज बाय जम्मू, और ये जम्मू के एरिया में ही जाता है, जम्मू टाउन से, जम्मू सिटी से, माफ कीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं। आप उसके बारे में पढ़िएगा। फिर अगर मैं आपकी नजर ले जाऊं, जो ऑपरेशन चंगेज खान है, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स आप पढ़िएगा, तो इसमें से कोई इंडियन ऑथर की मैं बात नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडियन ऑथर, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ऑथर्स, मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, उनकी किताबों का, आप मेरे पास पढ़ी है किताबें वो। एक चौथी चीज है इन द लाइन ऑफ फायर, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखी थी। अच्छा, इसमें से आपके दो तो आर्मी चीफ थे, अयूब खान साहब और परवेज मुशर्रफ साहब, और साथ में वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मेजर जनरल अकबर खान, दैट टाइम ही वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, उस जमाने में मेजर जनरल्स वर वेरी सीनियर, अब इवन नाउ दे आर सीनियर, बट उस जमाने में थोड़ा सा क्या है कि उतने लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप ओवरऑल देखें, मैं डोवाल साहब की जो चीज है, जो उन्होंने बोली, उनके बयान का ना एक हिस्ट्री है, उसको जारहाना बयान की तरह ना देखा जाए, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हर समय पाकिस्तान हैज डिक्टेटेड कि कब जंग होगी और कब अमन होगा, बहुत पहले से, आज की बात नहीं है। और मैं आपको किताब का हवाला दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताया, और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स में अगर आप जाके पढ़ेंगे, जो पाकिस्तान ने खुद लिखी है, उसमें देखिएगा, ये ऑपरेशन चंगेज खान, जो कि 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, और 11 एयरफील्ड पे इंडिया के अटैक हुआ था 1971 की जंग के पहले। हालात उससे पहले खराब हो चुके थे चीमा साहब, वो जंग तो तब शुरू हुई फॉर्मली, हालात उसके पहले काफी खराब हो चुके थे, 1.5 साल 2 साल से खराब चल रहे थे। कारगिल का मैंने आपको हवाला दिया इन द लाइन ऑफ फायर। तो क्या है कि इंडिया को हर समय ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 FIR फाइल हो चुके हैं, पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल FIR अगेंस्ट 26/11, वो पाकिस्तान के अंदर के FIR है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बात मुझे एज अ ह्यूमन बींग समझ में आती है। कारगिल के लिए तो कोई वो नहीं था, जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब चढ़ दौड़े थे,
तो कारगिल के लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि कारगिल में इंडिया ने कुछ छेड़ा था, हमारी तो एक ट्रीटी थी, 19 मैप्स थे, आपने भी साइन करे, हमने भी साइन करे, वो मैप साइन करके हम लोग चुपचाप बैठे थे। 1999 में पाकिस्तानी फौजें कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर रह गई, बाकी ऊपर आए, ये बोला गया कि मुजाहिदीन है, हम लोगों को नहीं पता, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोट अनकोट। उसके बाद ये कारगिल की जंग शुरू हुई। पहले पाकिस्तान ने मना करा कि हमारे बंदे ही नहीं है, फिर बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान को और काफी लोगों को उन्होंने गारंट्री अवार्ड्स भी दिए, और फिर बेरियल्स भी हुए, जिसकी वीडियो वो पूरी मौजूद है। चीमा साहब, बेसिकली बेसिकली चीमा साहब कहने की बात यह है कि अंडर द डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रीन, और यू कैन कॉल इट द डोवाल डॉक्ट्रीन ऑल्सो, आप उसको डोवाल डॉक्ट्रीन भी कह सकते हैं, आप उसको डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रीन भी कह सकते हैं, इंडिया उसके मतलब कई सारे हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो बेटर देन मी व्हाट इट स्टैंड, यू हैव डन अ स्टडी ऑन इट। उसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है, उसका एक इमोशनल और मेंटल साइड भी है, और उसका मेंटल साइड ये भी है कि इनिशिएटिव विल नो लॉन्गर बी विद पाकिस्तान। एक एक उसका जो वो है वो ये है कि इनिशिएटिव आज तक पाकिस्तान ने लिया। 1947-48 की बात करें जंग की, मेजर जनरल अकबर खान साहब की, मैंने किताब का आपको हवाला दिया है, या फिर हम बात करें 65 वॉर की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान साहब की, मैंने आपको यू नो ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवाला दिया है, मैंने 1971 ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तान मिलिट्री आर्काइव्स की का हवाला दिया है आपको, और जो हमारे चौथी चौथी लड़ाई थी कारगिल की, उसमें इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का मैंने हवाला आपको दिया है। This is where the strategic thinking comes up and says that you, अब जब मन चाहे पाकिस्तान बोले कि अमन होगा, फिर किसी का मूड खराब हो, वो चाहे वो पॉलिटिशियन और मिलिट्री, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं मानता हूं कि जेन्यूनली वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर, जेन्यूनली बुलाया था, सच्चे दिल से बुलाया था मियाँ साहब ने, उनके मन, मैं ये मानता हूं एज एन इंडियन कि मियाँ साहब के मन में कोई मैल नहीं था, लेकिन पीछे से गेम हुआ जो भी हुआ, और आप जानते हैं कि मीनार ए पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है, चीमा साहब आप बेहतर जानते हैं मुझसे, वहां पे वाजपेयी जी आए थे, यू नो ही केम देयर, तो जो पाकिस्तान में बड़ा एक एक शिकायत है कि इंडिया ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो शिकायत भी दूर करने आए थे कि जनाब हम कौन होते हैं तस्लीम करने ना करने वाले, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हु आर वी टू से दैट वी रिकॉग्नाइज और डोंट रिकॉग्नाइज, पाकिस्तान इज अ रियलिटी एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट, सो इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज इट, लेकिन ये सब चीजें हुई, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चीमा साहब कि नाउ वी विल डिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग, फॉर 70 इयर्स पाकिस्तान हैज डिसाइडेड दैट जंग कब होगी, अमन कब होगा, बट नाउ वी हैव हैड इनफ, नाउ इंडिया विल डिसाइड। तो जो एनएसए साहब ने बात करी थी, ही स्पोक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो मैं सर, बिल्कुल आपने जो हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए अलोंग विद द बुक्स एंड ऑल दैट, वो दैट मेड सेंस, बिकॉज बहुत सारे लोगों का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी इसी इन्हीं लाइंस पे मिलता है कि ये बात जो है वो पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर हो या कारगिल हो, ये कहीं ना कहीं पे एक किस्म की एडवेंचरिज्म थी। 2014 पे अगर आ जाएं, अगर वो जो बात करते हैं दोवल साहब, 2014 ऑनवर्ड जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं पावर में, तो आप क्या देखते हैं, अब नाउ द टाइड हैज टर्न, अब आप क्या समझते हैं, वो जो दोवल साहब कहते हैं कि हम अमन का डिसाइड करेंगे, तो इट मींस द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट के, फॉर इंस्टेंस जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने, और एक दो दफा ये हुआ कि 2016 में जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर जब अभिनंदन का ये केस हुआ उस पर जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये जो चीज है इसको आप कैसे देखते हैं, बिकॉज मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, जब हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि भाई देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड स्केयर वॉल अंडर ए न्यूक्लियर ओवरहैंग, कि हम हमेशा स्टेटमेंट हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में जहाँ मैं पढ़ता था इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे जो प्रोफेसर्स होते थे, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या समझते हैं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले डायलेमा है, बहुत सारे लोगों ने कहा पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं वाकई इंडिया विल जिसे कहते हैं ना, किसी ने कहा जी हॉट परसूट, हालांकि हॉट परसूट वाली डॉक्ट्रिन यहाँ पे लगती नहीं थी, यानी सो आप कैसे देखते हैं मेजर साहब कि ये जो टर्न है कि अब इंडिया जो है अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायोलेट करता है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री को वायोलेट करता है, तो आप क्या समझते हैं ये जो एडवेंचरिज्म होगी, या जो इंडिया कहता है जी कि हम हमारा ये हक है कि अगर लेट्स से हम वहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, तो डू यू सी के फिर ये तो वो जो लिमिटेड स्केल वॉर वाली बात है वो तो उसकी तो पॉसिबिलिटी दैट इज ऑन द कार्ड्स,
मतलब लास्ट टाइम भी अगर जो हुआ था, अगर पाकिस्तान, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान में जो जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है पाकिस्तान में, अभी हाल फिलहाल में ये बात शुरू हुई थी कि भारत के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो इसको लेकर अब यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है कि भारत के साथ वो रिश्ते नॉर्मल करना चाहते हैं। लेकिन अभी अजीत डोभाल सर, आप जानते हैं एनएसए, उनका एक बयान आया है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें किस तरीके के रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है। पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया, अब पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा कि पाकिस्तान व्यापार चालू करे, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि हम पाकिस्तान से व्यापार करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं तो नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ अभी कोई व्यापार होना चाहिए, जब तक पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से कंफर्म कर दे कि हम कश्मीर में बिल्कुल जिहादी एलिमेंट नहीं भेजेंगे, पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे और पूरी तरह से ये भारत में आतंकवाद फैलाना बंद कर दे, तब तक तो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई सीन बनता नहीं है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब पाकिस्तान में आपको पता हालात इस तरीके हैं, पिछले एक महीने में लगभग लगभग पेट्रोल के 100 रुपये रेट बढ़ चुके हैं। सोचो आप, 100 रुपये बढ़ चुके हैं, हर चीज़ के पाकिस्तान में रेट बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं, पाकिस्तान के पास एक बम है, बम को लेकर वो ये बोलते हैं, अभी मैंने सुना ओरिया मकबूल और जैद हामिद को ये बोलना है कि अगर हम भिखारी मतलब डिफॉल्ट होने वाले हुए तो हम ये बम का फॉर्मूला सारी दुनिया में बेचेंगे, जिस जिसको न्यूक्लियर बम बनाना है उसको बताएंगे कैसे बनाना। इस तरीके के बेवकूफ़ लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी अर्थव्यवस्था चल जाएगी और ऐसा उन्हें करने दिया जाएगा, जो पावरफुल कंट्रीज हैं ऐसा उन्हें करने देंगे, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ। अभी हाल फिलहाल में चाइना से को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी निराशा है, चाइना उन्हें पैसे दे नहीं रहा है, चाइना का जो सीपैक है वो लगभग लगभग डेड हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब वो पता नहीं पाकिस्तान का होगा क्या। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है।